जम्मू कश्मीर के बसोहली पेंटिंग के जरिए अमरनाथ यात्रियों का स्वागत किया जा रहा है। इससे न केवल कलाकारों को प्रोत्साहन मिल रहा है बल्कि पारंपरिक पेंटिंग को भी बढ़ावा मिल रहा है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने कठुआ के प्रवेश द्वार को बसोहली पेंटिंग और डोगरा पेंटिंग से सजाया है। वीडियो में कलाकार पारंपरिक पेंटिंग करते नजर आ रहे हैं। वहीं ये खूबसूरत पेंटिंग लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रही है। इस बारे में कलाकारों ने बताया कि लोगों को ये पेंटिंग खूब पसंद आ रही है। इस बनाने का मेरा इसका मकसद ये है कि जो भी यहाँ बाहर से स्टेट से जो लोग आएंगे वो हमारे कल्चर के बारे में जानेंगे यहाँ पे आकर, और उनको पता चलेगा कि हमारा जे&K कल्चर क्या है। और जगह जगह हमारे जो जितनी भी जम्मू कश्मीर में जगहें हैं देखने के लिए वो उनके पोस्टर लगे हुए हैं, ताकि वो इसलिए लगाए गए हैं ताकि जो टूरिस्ट हैं वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। मैंने यहाँ पे बसोहली पेंटिंग को डिपिक्ट किया हुआ है। बसोहली पेंटिंग जो है ये बहुत 18वीं सदी से चलती आ रही है। ये हमारी बहुत ही पुरानी फॉर्म है पेंटिंग की। इसमें बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं इसको बनाने के लिए, और इसे हम मिनिएचर पेंटिंग भी कहते हैं। जैसे इसमें हमने बताया है कि इसका जो बॉर्डर है वो येलो होगा, और बसोहली पेंटिंग में मैक्सिमम बॉर्डर येलो ही होते हैं। अगर नाइट भी होगा तो उसका ग्रे बॉर्डर होगा और ग्रे बेस लाइन होगी। इसमें बताते हैं कि इसमें इसको बनाने के लिए ना स्टोन कलर्स का यूज़ किया जाता है, स्टोन कलर्स जो कि जयपुर से मिलते हैं और स्पेशली वहाँ पे बनाए जाते हैं, और ये आम कलर्स नहीं होते। और इसको बनाने के लिए एक टेक्निक चाहिए, और इसमें जो हम ब्रश यूज़ करते हैं वो गिलहरी के पंख, मतलब कि पूंछ के जो बाल होते हैं उसकी पंखुड़ी से बने होते हैं, और ये बहुत ही सॉफ्ट ब्रश होते हैं। बहुत इंट्रैक्शन है उनकी जो आ रहे हैं उनके लिए, तो एक सेल्फी पॉइंट है ये, वो पिक्स ले रहे हैं, हमें पूछ रहे हैं कि ये कौन सी पेंटिंग है, कैसे है, बल्कि सब कुछ पूछा, उनको बहुत अच्छा लग रहा है। और DC साहब भी आए तो उन्होंने बहुत सारा अप्रिशिएट किया, तो इसलिए हम बहुत खुश हैं। ये हम पेंटिंग बना रहे हैं, अपने डोगरा कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमें ये मतलब काफ़ी अच्छा मौका मिला है अपने आर्ट को रिप्रेजेंट करने का। अभी अमरनाथ यात्री यहाँ पे आ रहे हैं, ये देख रहे हैं और काफ़ी खुश हो रहे हैं। हमें भी काफ़ी खुशी हो रही है इस पेंटिंग को बनाते हुए। इस पेंटिंग में हम अपना डोगरा कल्चर दिखा रहे हैं, जैसे हमारी डोगरी मैरिज होती है कैसे होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। जैसे इसमें एक लेडीज़ कलीरा टाइप कुछ बना रही है वो होता है, उधर भी हम कुछ दिखाएंगे। ये पीछे हमारी बसोहली पेंटिंग है उसके बारे में दिखा रहे हैं।